परमेश्वर के राज्य में सिविलियन की कोई जगह नहीं। सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो एक देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, पर परमेश्वर के राज में सिर्फ सोल्जर्स की और सिपाहियों की, जो फौजी है उनकी जगह है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हो, आपको फौजी बनना पड़ेगा, आपको सोल्जर बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई भी जगह नहीं, हाँ या ना? उसके राज्य में किनकी जगह है? फौजियों की। परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने रखता हूं, चाहे वो कनान देश में एंटर कर चुके थे, जीत चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा, ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वो लड़ना सीख सकें। क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, मान लो अगर इसकी एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 30 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी, तो 20 वाला 40 साल बाद 60 का हो चुका था। पर उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बाद में पैदा हुए थे, वो ये नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनको आजाद किया है, और यहोवा ने इसराइलियों को मिस्र से आजाद किया, और कैसे लड़के, कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने कनान देश पे कब्जा किया, वो ये बात नहीं जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इनको लड़ना सिखाने के लिए मैं कुछ दुश्मनों को अलाउ करूंगा, चाहे मैं पहले से कनान देश इन्हें दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन 5 तरह के सरदारों समेत ये जातियां इनके आसपास रहेंगी, ताकि ये लड़ना सीख सकें। आप फिक्स मैच के अंदर हो, आप जिस फिक्स मैच के अंदर हो, आप पहले से आपकी जीत तय हो चुकी है। आपके आसपास जितनी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझ के रख रहे हैं, वो आपको ग्रो कराने के लिए, आपको लड़ना सिखाने के लिए और आपकी टेस्टिमनीज बनाने के लिए है। आपकी एक भी चुनौती आपको निगलने के लिए नहीं है, आपकी हर एक चुनौती परमेश्वर की महिमा को आपकी लाइफ में साबित करने के लिए और एक गवाही के साथ आपको वापिस करने के लिए है। परमेश्वर ने कहा, ये 5 जातियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ साथ रहेंगी, ताकि जो नए लोग हैं, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, जो नए बच्चे पैदा हुए, जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, ताकि वो लड़ना सीख सकें। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी देखो, तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसे क्रूस उठाने में हुई थी। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे, तो उसने अकेले खाए कोड़े, कोई भी साथ नहीं आया कोड़े खाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खा सकते थे, उन्होंने खाए कोड़े। बैंते पड़ी, अकेले ने खाई, सिर पे कांडों का ताज, सब कुछ अकेले ने सा। पर जब वो क्रूस उठा के उस पहाड़ी से जा रहा था, जहां पे उसको क्रूस पे चढ़ाना था, अपने आप उठा के लिखा, तब उससे वो क्रूस उठाया नहीं गया। वो सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला पॉइंट था। और आज आप उसी क्रूस को अपने गलों में लटकाए हुए, अपने चर्चों में लगाए हुए, अपने स्कूलों में लगाए हुए फिरते हो, क्योंकि जिस चीज में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहते हैं, उसी चीज को परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप अपनी गरीबी की वजह से शर्मिंदे हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ बांटने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अपनी बीमारी के लिए शर्मिंदे हैं, तैयार हो जाओ अपनी गवाही चंगाई की देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप छोटे से छोटे, मैं आपको फिर प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर आप छोटे व्यक्ति हैं, आपके द्वारा आपके मोहल्ले, इस चर्च में, परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग जगह में, जहां भी जीवित चर्च है, आपके द्वारा वहां पे लोग जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे, अगर आमीन ऊंचे हैं। ऐसा एक भी दुश्मन नहीं था उनके आसपास जो परमेश्वर ने उनको मारने के लिए रखा हो। परमेश्वर ने कहा, तुम ऑलरेडी कनान में हो, जो वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया था कि मैं तुम्हें दूध शहद की नदियों के देश में पहुंचाऊंगा, यू आर ऑलरेडी देयर, तुम पहले ही वहां पहुंच चुके हो। तो बंदा पूछे, अगर मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूं, तो परमेश्वर ये झमेला कहेगा, फिर तू क्यों दुश्मनों को मेरे आसपास रखेगा कि मैं फालतू में उनसे लड़ता रहूं। अगर तूने कनान देश मेरे पिता की लड़ाई की वजह से और अपने हुक्म की वजह से दे दिया, तो ये 5-6 तरह के दुश्मन मेरे को क्यों दिए। अगर दाऊद के सामने शेर ना आता और वो शेर को ना मारता, अगर भालू उसके सामने ना आता और वो भालू को ना मारता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। वो राजा के सामने गया, राजा को बोलते थे कि राजा, एक बंदा, एक छोटा सा लड़का आया, यंग सा, वो कह रहा है कि मैं उस राजा को मार दूंगा।
क्या आपका दिमाग ये काम करता है क्या? कोई भी फुकरी मार सकता है, कोई भी शुगल फेंक सकता है, हाँ या ना? पर एक राजा उसकी फुकरी पे यकीन कैसे करेगा? क्यों एक राजा जो शाऊल बुद्धिमान व्यक्ति, वो उस पर यकीन क्यों करेगा बताओ? आप अपने नगर के एमपी के पास जाओ या मंत्री के पास जाके बोलो कि ये सारा काम मैं कर दूंगा जी, और वो आप पे यकीन कर ले, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब दाऊद के बारे में बताया गया कि एक लड़का यहां मौजूद है, वो कह रहा है कि मैं उसको मार दूंगा, तो राजा ने उस पर यकीन क्यों किया जबकि उसके पास बड़े बड़े योद्धा मौजूद थे? क्योंकि दाऊद की बातें ये बताती थी कि मैंने शेर को इस तरह से मारा, मैंने भालू को इस तरह से मारा। अगर परमेश्वर आपको कुछ लड़ाइयां ना दे, कुछ स्ट्रगल ना दे, आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। जो गोलियत आपका आने वाला है, गोलियत क्या है? आपका वो दुश्मन जिसे मारने के बाद, जिसे कॉन्कर करने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। एक ऐसी गवाही जिसे पाने के बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। पर उस गवाही को लेने से पहले परमेश्वर आपको छोटी छोटी गवाहियां देते हैं, और वो गवाहियां आपके संघर्ष से बनती, आपकी उस लड़ाई से बनती जो परमेश्वर जानबूझ के आपके आसपास रखते हैं। इसलिए उन लोगों का कभी गुस्सा मत करो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हैं। एक्चुअली वो आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए है। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है बाइबल में जहां परमेश्वर ने ये लिखा हो कि ये दुश्मन तुम्हें स्वेलो करने के लिए, तुम्हें निगलने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। परमेश्वर ने कहा ये दुश्मन इसीलिए तुम्हारे आसपास मौजूद हैं कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकूं और तुम्हें जीतना सिखा सकूं। कुछ चुनौतियां आपकी लाइफ में इसीलिए मौजूद हैं कि आप उन्हें लड़ सकें और आप जीत सकें, और आप में इतना कॉन्फिडेंस और फेथ पैदा हो जाए कि आप बड़े बड़े काम कर सकें। कितने तरह के लोग हैं, जिस तरह दाऊद और गोलियत लड़ा, तो जैसे दाऊद के जैसे अनॉइंटेड पर अनप्रोफेशनल, दूसरा शाऊल के जैसे एक्स अनॉइंटेड जो कभी अनॉइंटेड थे, तीसरा शाऊल की आर्मी की तरह प्रोफेशनल तो हैं पर अनॉइंटेड नहीं है, चौथा गोलियत की तरह जो एंटी अनॉइंटेड हैं, जो मसीह के खिलाफ चलते हैं। बाइबल कहती है कि जब दाऊद अपने पिता की ओर से खाना लेके आया अपने भाइयों को देने के लिए, और जब उसने सुना कि गोलियत इज़राइल की सेना को गालियां निकाल रहा है और परमेश्वर के नाम को कोस रहे, उसने कहा तुम लोगों की गैरत कहां पे है, तुम इसको मार नहीं सकते क्या? लेकिन जो एक्स अनॉइंटेड था, क्योंकि वो अभिषेक शाऊल पर से उठ चुका था, वो भी डर रहा था। जो प्रोफेशनल लोग थे वो भी डर रहे थे, उसकी आर्मी प्रोफेशनल थी, अनॉइंटेड नहीं थी, वो भी डर रही थी। लेकिन दाऊद जो था वो प्रोफेशनल नहीं था। जब परमेश्वर आपको मसा करता है, वो आपको जब अनॉइंट करता है, जब वो आपको अपनी ताकत देता है गोलियत को मारने के लिए, वो नहीं देखता कि कौन से प्रोफेशनल, कौन से एक्स अनॉइंटेड, कौन से लोग आपके सामने खड़े हैं। जब वो आपको ऊंचा करने पे आता है, वो आपको करता है अगर आपकी लाइफ में ही अभिषेक हो तो। अब अगर दाऊद की जिंदगी आप ध्यान से देखें, वो भी इसी तरह का इंसान था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, अपनी महिमा ना करने वाला, अपने पाप के बहाने ना बनाने वाला, सारी महिमा इज्जत और जलाल परमेश्वर को देने वाला, अपनी जिंदगी को शुद्धता से रखने वाला वो दाऊद था। जब उसने पाप किया, उसकी हड्डियों में बेचैनी आई, बीमारियां आई, मुसीबतें आई, एक भी बार उसने प्रभु से नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी मुसीबत को दूर कर। उसने कहा परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे फिर से आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपना उद्धार मुझे फिर से दे, उदार आत्मा दे के मुझे संभाल, ताकि मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखा सकूं। दाऊद को यह बात मालूम थी, ये उसका सीक्रेट था कि शुद्धता में चलना, पवित्रताई में चलना, ये मेरी लाइफ का सीक्रेट है। आमीन। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे कॉन्टेक्ट करता है, वो आपकी आत्मा के जरिए करता है, वो आपकी आत्मा से बात करता है। जब वो आपकी आत्मा से बात करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको मालूम होता है मुझे क्या करना है, अपने बच्चे के लिए क्या करना है, मुझे अपने फाइनेंस के लिए कैसे चलना है, मुझे अपनी सेविकाई को कैसे चलाना है, मुझे अपने सिस्टम को कैसे चलाना है,
परमेश्वर इस तरह से आपकी लाइफ में आपकी आत्मा से बात करके आपकी अगुवाई करते हैं।